हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको इंस्टा 360 वन आर ट्विन एडिशन मोटो व्लॉगिंग के लिए लेनी चाहिए या नहीं। तो पहले मैं आपको एक बार कैमरा दिखा देता हूँ, मैं किस कैमरा की बात कर रहा हूँ। तो ये है वो कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इंस्टा 360 वन आर ट्विन एडिशन है, ये वन आर एस नहीं है। और जैसा कि मैं कह रहा था, आपको ये मोटो व्लॉगिंग के लिए लेनी चाहिए या नहीं। तो यार अगर मैं बताऊं तो कोई मेरे को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन एक जो बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं इस चीज़ को एक प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंस्टा 360 ने इस चीज़ को इंडिया में बंद कर दिया है। तो ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगी यार। अगर और किसी के पास अगर पुराने स्टॉक्स पड़े हुए होंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, बट इसकी प्राइस 1100 है, लेकिन जो भी आपको प्रोवाइड करेगा वो 3000 या 4000 से कम में आपको नहीं देगा। और ये एक चीज़ मैंने पर्सनली फेस करी है। वीडियोस बहुत दिनों बाद आई चैनल पे, उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं। मैंने इसको बाहर से मंगवाया है, इम्पोर्ट हुआ है ये एक्चुअली प्रॉपर इंस्टा 360 से, जो मैंने करवाया था इंस्टा 360 के ऑफिशियल ऐप से, ये बात करवा के मैंने इस चीज़ को इम्पोर्ट करवाया था। और इसके साथ ये अडैप्टर है इसका छोटा सा सिर्फ 1100 का, और ये एक TRS कन्वर्टर है, वो आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा आराम से। तो यही था यार एक चीज़ जो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस करी। मैंने 17 तारीख को पिछले महीने 17 तारीख को कैमरा मंगाया था, और मेरे को ये अडैप्टर मिला था इस महीने में, कुछ दिनों पहले मिला था। तो ये बहुत ही बड़ा पंगा क्रिएट कर सकता है अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है एकदम जल्दी से। बाकी आप दूसरा माइक को माइक्रोफोन की तरह यूज़ करके आप वीडियोस बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। और अगर बात करें कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं, तो एक चीज़ है इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन से एडिटिंग कर रहे हो, कि लाइक आपके पास एक हाई एंड PC या लैपटॉप नहीं है और आपको फ़ोन से एडिटिंग करनी पड़ रही है, तो आपको फ़ोन पे एडिटिंग 1080p की ही मिलेगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको 4K या 5.3K की एडिटिंग मिल जाएगी। फ़ोन में ये रिस्ट्रिक्टेड है, 4K 1080p पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वही हाई एंड PCs या फिर हाई एंड लैपटॉप्स पे आपको 5.3K की एडिटिंग मिलेगी। तो ये पता नहीं उन्होंने क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि यार आजकल तो फ़ोन्स के भी प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तगड़े आने लगे हैं, तो इस रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का मेरे को मतलब नहीं समझ आया। और अगर बात करें इंस्टा 360 की बैटरी बैकअप की, तो यार बैटरी बैकअप मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप सेटिस्फाई हो जाओगे, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा, तो वैसा नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड आपको बैकअप मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यार मोटो व्लॉगिंग करने में आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा बैटरी ले करके चलनी पड़ेगी, या फिर एक पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा जैसे मैं लेकर के घूम रहा हूँ। क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आधे व्लॉग में वो ख़त्म हो जा रहा है बैटरी, अब उसके बाद करना क्या है, चार्ज करो पहले उसको, उसके बाद चलो। तो ये एक चीज़ पर्सनली मैंने फेस की है, तो आपको मैंने बता दी। तो ये तो हो गई बैटरी की कहानी। तो एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि ये कैमरा आपको 37 का मिल जाएगा, और इसी का एक RS एडिशन है वो आपको 43 के अराउंड मिल जाएगा। तो यार अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप RS प्रिफर करो, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा कैमरा लेंस थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, और इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। और दोनों में सेम ही चीज़ है कि लाइक आपको एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी में चाहिए वीडियो, नहीं तो 1080p पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो। और मैं बात करूँ कि अगर आप इंस्टा 360 वन आर ही ले रहे हो ट्विन एडिशन, तो आप इसको कॉन्टेंट क्रिएटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम शॉर्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल 360 व्यूज़ दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि इंस्टा 360 को यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग टाइप की वीडियोस भी बनती हैं, ट्रांजिशन वीडियोस, उसके बाद फिर टाइनी प्लैनेट, तो बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रा वाइड एंगल पे आप शूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप इसको ख़रीद सकते हो, क्योंकि व्लॉगिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, बैटरीज ये सब, एक्स्ट्रा सेल ये सब, और इनिशियली स्टार्ट करने के टाइम इतनी सारी चीज़ें आप नहीं ले पाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उस चीज़ में। तो यही था यार, अगर आपका थोड़ा सा बजट है या फिर आप थोड़ा टाइम वेट कर रहे हो, तो वेट करके आप RS ट्विन एडिशन ले सकते हो, क्योंकि उसकी एसेसरीज़ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी,
और इसके एक्सेसरीज ढूंढने में आपके हालत लग जाएंगी, क्योंकि इसको ढूंढने में मेरी हालत लग गई थी, बहुत मुश्किल से मिला था मेरे को। और जो भी जिसके पास भी मिल रहा था वो 4,000-5,000 में देने को तैयार था, क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं मिल रही है मार्केट में, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और वही इंस्टा 360 ONE RS में आपको सारी चीज़ें तुरंत मिल जाएंगी। तो यही था यार, तो इतने दिनों के यूज़ में मैंने यही सारी छोटी छोटी सी चीज़ें फेस करी हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आप क्वालिटीज़ देखोगे इनके वीडियोस की, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और अभी और भी व्लॉग्स आने वाले हैं इंस्टा 360 में, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको एक क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। और यही है कि अगर आप PC से एडिट करोगे तो आपको 4K पे क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वही फ़ोन पे 1080p पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो, तो भाई सिंपल सी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाना। तो पता नहीं इंस्टा 360 का क्या फंडा है, ऐसे 360 वीडियो एडिट करने में थोड़ा तो लाइक वो मेहनत लगता है, पर वही है PC में आपको 4K मिल जाएगा, और ऐसे आपको 4K नहीं 1080p ही मिलता है। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इंस्टा 360 में मैंने फेस करी हैं, और बाकी इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये जो केस है वो भी आपको उनके साथ ही मिल जाएगा, और ये उसका प्रोटेक्टर है, ये 360 लेंस का प्रोटेक्टर है। और आपको इंस्टा 360 में एक और फीचर मिलता है नॉइस कैंसलेशन का, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, और हाई विंड ब्लास्ट पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जेन्युइनली मैंने यूज़ किया है उस चीज़ को, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छा लगा। और एडिटिंग में आपको इंस्टा 360 ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आपको मतलब भर भर के ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने एडिट करने के, और आप फिल्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है इस चीज़ का, कलर क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस और इंस्टा 360 अडाप्टर का नाम मिलना, तो यही सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इसको लेने से पहले। तो यही था यार छोटा सा एक वीडियो इंस्टा 360 ONE RS को लेकर के, और मैं अभी तक इस चीज़ से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। जब से माइक अडेप्टर मिला है मेरे को, सारे काम आसानी से हो रहे हैं। बस वही है कि अगर इंस्टा 360 वाले अगर अडेप्टर्स को वापस से इंडिया में लॉन्च कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं और मिलता भी नहीं है, तो इस चीज़ पे उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी और आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।